देश में कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना बचाव के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य पूरे जोरों से चल रहा है। अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, उसको अब शिफ्ट करके बीपीसी प्लेंटिनेरियम में कर दिया गया है। अब इस बारे में पीएमओ डॉक्टर राकेश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर को शिफ्ट किया गया है। हाँ, मैं पीएमओ अम्बाला सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट डॉक्टर राकेश है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले कल तक जो वैक्सीनेशन थी वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी होती थी, बाहर के जो सेंटर थी बने हुए थे, लेकिन कल जो है वो हमने यहीं पे शिफ्ट कर दिए। आप सारा अरेंजमेंट देख रहे हैं, कल रात भी डॉक्टर विशाल गुप्ता उनकी टीम ने सारा का सारा काम ही करके गए थे। लोगों में उत्साह काफ़ी बढ़ रहा है वैक्सीनेशन प्रति, और नंबर ऑफ केसेज भी जो कोविड के आप जानते हैं कि बढ़ने के कारण हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए, तो ये भी आदेश प्राप्त हुए थे कि वैक्सीनेशन को सिविल हॉस्पिटल से हटा के किसी अन्य जगह पे कर दिया जाए, जहाँ पे मरीजों की सुविधा भी हो, मरीज पूरी संख्या में आ भी सकें, और लोगों के अंदर ये भय भी ना हो कि हमें वैक्सीनेशन के लिए स्पेसिफिकली हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए बीपीएस जो ये प्लेटोरियम इसमें बनाया गया, एक दूसरा सेंटर एसडी कॉलेज में भी बनाया गया, और यहाँ पे पर्याप्त जगह पे सुविधा है, पर्याप्त जगह उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।